मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक आरोपी ने विख्यात बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी। उसने उन्हें ईमेल कर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी देकर 10 लाख रुपए मांगे। पुलिस ने पंडित शास्त्री के प्रतिनिधि की शिकायत पर मामला दर्ज कर दिया है और जांच भी शुरू कर दी। आरोपी ने पिछले महीने ये धमकी दी थी। पुलिस ने 23 साल के आरोपी को बिहार के पटना से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश भी किया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि ये मामला संगीन था, इसलिए इसमें NIA और इंटरपोल की भी मदद ली गई। इस साल 19 तारीख को बागेश्वर धाम महाराज की GMAIL ID पर एक अज्ञात व्यक्ति ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी दी थी। इसमें धमकी देने वाले ने ईमेल में लिखा था कि हमें 10 लाख रुपए दे दीजिए, अन्यथा आपकी जान को खतरा हो जाएगा। 20 अक्टूबर को उनके प्रतिनिधि ने थाना बमीठा में इसकी लिखित शिकायत की। शिकायत पर पुलिस ने तुरंत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 182 में मामला दर्ज किया था। चूंकि अपराध बेहद गंभीर प्रवृत्ति का था, इसलिए इस मामले में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसमें साइबर सेल को भी शामिल किया गया। इस मामले में सभी थानों और अधिकारियों को जानकारी दी गई। इस मामले में राज्य स्तरीय एजेंसी NIA और इंटरपोल को भी शामिल किया गया। इन सबके सहयोग से धमकी भरे ईमेल की जानकारी हासिल की। इस बीच जब आरोपी को ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला तो उसने फिर से धमकी दी। इस ईमेल को भी ट्रेस किया गया, तब पता चला कि आरोपी बिहार की राजधानी पटना का रहने वाला है। इसके बाद पुलिस ने टीम को वहां भेजा और आरोपी को गिरफ्तार किया। टीम ने आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए सारे उपकरण, मोबाइल, सिम, गैजेट भी जब्त किए। उसके बाद 9 तारीख को पूरी जानकारी और डायरी के साथ न्यायालय में पेश किया गया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम आकाश वर्मा है। वो टेक्नोलॉजी का अच्छा जानकार था। उसने बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पैसा लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से ईमेल ID बनाई। पुलिस का कहना है कि आरोपी पेशे से जालसाज है। उसकी उम्र महज 23 साल थी। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का फॉलोअर भी है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।